नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं डीएमटी न्यूज। बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। कहते हैं हुनर सभी में होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। जी हाँ, शहर की गलियों में घूम रही है कुछ मधुर आवाजें। आखिर कौन है यह लोग? यह वो लोग हैं जो किसी के आगे हाथ ना फैलाते हुए अपने हुनर से अपना पेट भर रहे हैं। भले ही आंखों की रोशनी ना हो, पर अपनी सुमधुर आवाज से अपनी कला को रोशन कर रहे हैं। जनता का भी मिल रहा है भरपूर प्रतिसाद। डीएमटी न्यूज की टीम द्वारा इन फनकारों को डीएमटी न्यूज चैनल के स्टूडियो ले जाकर चंद पंक्तियां रिकॉर्ड की गई, जो कि आपके समक्ष हैं। चाहूंगा मैं तुझे साज सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साज सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साज सवेरे, पास आए यू मुस्कुराए, तुम पास आए यू मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। तुम पास आए यू मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जाके न सोता है, क्या कर हाय कुछ कुछ होता है, क्या कर हाय कुछ कुछ होता है। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा जागे न सोता है, क्या कर हाय कुछ कुछ होता है, क्या कर हाय कुछ कुछ होता है। आप है विनोद रिब्बावार जी, जो कि चंद्रपुर बाबूबेट के रहवासी हैं, पेशे से एक ऑटो चालक हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मधुर आवाज के धनी जो यहाँ हमारे समीप बैठे हैं, उनको ऑटो से लाना ले जाना आप करते हैं, तो आपकी इनसे मुलाकात कब हुई और किस तरह से कारवा आगे बढ़ा? सर, ये पहले चंद्रपुर में ऐसे घूमने के लिए आए थे और इन्होंने हमें मिले गांधी चौक से, हम इनको उज्जवल लॉज में छोड़े थे, तब इनसे बात हुई और इन्होंने बोले हमको कि हमें प्रोग्राम करना है यहाँ पर चंद्रपुर में जी, तो नेक्स्ट टाइम पे हम आएंगे तो हमें सपोर्ट करो जी। तो हम इन्हों को बोले कि आपका पालन पोषण के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ जितना हो सके उतना हम आपकी मदद करेंगे, ऐसा करके बोले थे सर इनको। जैसे कि हम जानते हैं कि इन्हें दिखाई नहीं देता जी सर, और बहुत ही अच्छे हुनर के धनी हैं, तो किस तरह की दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ा और इन्हें आगे किस तरह का सहयोग चंद्रपुर की जनता की ओर से मिल रहा है? ये सर अभी जैसा इनको दिखता नहीं है, इसी की वजह से हमने इन पे ऐसा सोचे कि इनको कुछ ना कुछ इनकम मिल सके
चंद्रपुर से इनका पेट भर सके, ये हिसाब से हमने इनको अच्छे अच्छे स्पॉट देख के इनका सॉन्ग बोले तो प्रोग्राम अटेंड किए हैं। और चंद्रपुर की जनता इतना रिस्पांस दे रहे हैं सर इनको कि बहुत लोग मानते हैं इनको, जैसा कि ऑर्डर मिलना चाहता है लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है सर ऐसा। अच्छा, यानी उन्हें दिखाई नहीं देता और प्रॉपरली यहाँ की जो भाषा है जी उस वो ना आने के कारण जो उन्हें एक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम आशा करते हैं कि डीएमटी न्यूज के माध्यम से आगे जनता तक इनका संपर्क क्रमांक पहुंचे और जनता तक इनकी आवाज पहुंचे। बस यही जो आप बोल रहे हैं सर वही हमारा दिल कहता है कि चंद्रपुर की जनता ऐसे इनको रिस्पांस दे और इनका ऐसा बड़ा सा बड़ा प्रोग्राम चले और ये आगे बढ़े सर। धन्यवाद। थैंक यू सर।